फर्स्ट क्वेश्चन, शुड एट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल वन बाई एक्स इज वन वन एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, तो पहले इसको प्रूव करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आपको गिवन है एफ आर स्टार टू आर स्टार, और आर स्टार को इन्होंने बोला है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल वन बाई एक्स, तो ध्यान दीजिएगा फॉर वन वन, वन वन फंक्शन का प्रोसेस आपका होता है एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू। तो बच्चों जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x1 आएगा 1 अपॉन x1 और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x2। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल करिए, तो x1 किसके इक्वल आ चुका है x2 के, तो श्योर हो गया इट इज़ 1 1, यही होता है 1 1 का प्रोसेस। ठीक है, फॉर ऑन टू, बच्चों यहाँ पे r स्टार है तो वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। ठीक है, एफ एक्स को y माना जा सकता है, तो बताइए x की वैल्यू y के टर्म्स पे आपकी होगी 1 अपॉन y। प्रॉब्लम न्यूमरेटर से होती है कि डिनोमिनेटर, बच्चों डिनोमिनेटर से होती है, तो y की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो पाएगी, तो आपकी जो रेंज आएगी वो आपकी हो जाएगी r माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू r स्टार। ठीक है, कोडोमेन, कोडोमेन आपका होता है सेकेंड सेट, और सेकेंड सेट हम लोगों को दिया हुआ है आर स्टार। ठीक है, तो रेंज आपकी इक्वल हो चुकी है कोडोमेन के। ठीक है, तो श्योर हो गया इट इज ऑन टू, तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, नेक्स्ट, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो डोमेन है आर स्टार की जगह किससे रिप्लेस कर दिया है, एन से, विद द कोडोमेन बीइंग सेम एस आर स्टार। इसका मतलब हुआ कोडोमेन में कोई भी चेंज हमारा नहीं आया, फंक्शन सेम है एफ एक्स इक्वल वन बाई एक्स। तो चलिए वर्क करते हैं, फॉर वन वन फंक्शन रूल क्या होता है, एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू लेके चलेंगे और एक्स वन एक्स टू के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, वन अपॉन एक्स वन इक्वल वन अपॉन एक्स टू, तो ये आपका हो जाएगा एक्स वन इक्वल एक्स टू, तो श्योर हो गया इट इज वन वन, ये क्या हो जाएगा वन वन। अब हम वर्क करते हैं फॉर ऑन टू, आप देख पा रहे हैं आज हमारा डोमेन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के केस में बच्चों जो रेंज है वो एरो डायग्राम की हेल्प से आती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप सेट लिख लीजिए वन टू थ्री, और हमारा जो फंक्शन है y इक्वल वन अपॉन x, वन पुट करेंगे वन, टू पुट करेंगे वन बाई टू, थ्री पुट करेंगे बच्चों वन बाई थ्री, तो जो रेंज आ रही है वो आपकी आ रही है वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री। ठीक है, कोडोमेन, कोडोमेन है हमारा सेकेंड सेट, मतलब r स्टार, तो r स्टार क्या होगा r माइनस ज़ीरो के इक्वल है। अब एक बात बताइए, ये जो रेंज है इसमें सारे के सारे आपके नेगेटिव नंबर मिसिंग है, वन को छोड़ के सारे इंटीजर मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज जो है वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होगी। तो क्या लिख सकते हैं, रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर रेंज प्रॉपर सबसेट कोडोमेन के है तो ये तो इनटू फंक्शन होता है, या हम दूसरे वे में कह सकते हैं नॉट ऑन टू, तो क्या लिखें, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या गिवन है बच्चों, एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल नंबर, मतलब इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल है, फंक्शन का फॉर्म है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा फॉर वन वन फंक्शन, तो बच्चों क्या होगा एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, तो हमारा इनपुट है x1, तो ये क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर और दूसरा वाला क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा जो इनपुट है वो बच्चों नेचुरल नंबर है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो x1 क्या होगा प्लस माइनस x2 होगा, जिसमें से पॉजिटिव वाला तो पॉसिबल होगा बट नेगेटिव वाला बच्चों इम्पॉसिबल होगा, ये केस हमारा पॉसिबल ही नहीं होगा, तो हम क्या कह सकते हैं इट इज़ वन वन। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं फॉर ऑन टू,
तो ऑन टू के केस में क्या होता है, सबसे पहले रेंज निकाली जाती है। अब देखिए ये आपका है नेचुरल टू नेचुरल, मतलब एरो डायग्राम वर्क करेगा। तो डोमेन है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, फंक्शन है आपका वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, वन पुट करिए वन, टू पुट करिए फोर, थ्री पुट करिए नाइन। तो हमारी जो रेंज आ जाएगी वो आपकी क्या होगी, वन फोर नाइन एंड सो ऑन। अब डिस्कस करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन होता है सेकेंड सेट, सेकेंड सेट है आपका नेचुरल नंबर, इसका मतलब है वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो बच्चों इसका मतलब हुआ ये आपका इनटू फंक्शन है, तो दूसरे वे में क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन, ओके। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों जेड टू जेड, आपकी जो डोमेन और कोडोमेन है वो दोनों जेड हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी फॉर वन वन, ठीक है। वन वन का प्रोसेस क्या है, एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, तो ये आपका हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर इक्वल एक्स टू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, एक्स वन नॉट इक्वल एक्स टू, क्योंकि कोई भी केस एक साथ पॉसिबल नहीं होगा, पॉजिटिव भी कोई नंबर है और वही नंबर नेगेटिव भी है, बेटा ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कंट्राडक्शन है, क्या होगा, एक्स वन नॉट इक्वल एक्स टू, तो इट इज नॉट वन वन, ये वन वन की कैटेगरी पे नहीं आएगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं फॉर ऑन टू, तब आप देख पा रहे हैं जेड टू जेड, केवल और केवल रियल से रियल पे हम लोग वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई यूज करते हैं, और सारे केसेस पे बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं, एरो डायग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, जेड जेड का मतलब है जीरो, ठीक है, माइनस वन माइनस टू, ये बच्चों हो जाएगा वन एंड टू। अब बताइए वाई इक्वल आपका है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे जीरो आएगा, माइनस वन और वन दोनों ही केसेस पे आपका वन आ रहा है, टू पुट करेंगे फोर आ रहा है, माइनस टू पुट करेंगे बच्चों फोर आएगा, ठीक है। अब इस फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी जीरो वन फोर एंड सो ऑन। और बच्चों जो कोडोमेन दी हुई है वो आपको दिया हुआ है जेड, जेड मतलब सेकेंड सेट दिया हुआ है, तो कोडोमेन के अकॉर्डिंग जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। तो आप इजिली चेक कर पा रहे हैं रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में हैं, तो रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो क्या कहेंगे, इट इज नॉट ऑन टू, ये बच्चों ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। एफ सच दैट रियल टू रियल, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर, तो हमको वही इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी मतलब वन वन और ऑन टू चेक करना है। तो फॉर वन वन फंक्शन एफ एक्स वन इक्वल बच्चों क्या होता है, एफ एक्स टू, तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल एक्स टू स्क्वायर, तो एक्स वन किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स टू, बोथ आर पॉसिबल बट एक साथ दोनों केस नहीं हो सकते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू भी हो और एक्स वन माइनस एक्स टू भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब ही हो गया इट इज नॉट वन वन, ये क्या नहीं होगा, आपका वन वन नहीं होगा, ठीक है। फॉर ऑन टू, तो अब यहाँ पे देखिए रियल टू रियल है, तो एफ एक्स को हम यहाँ पे वाई ले सकते हैं, तो रूल क्या काम करेगा, वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, जब भी अंडर रूट होता है तो उसकी रेंज कैसे आती है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो एनी पॉइंट ऑफ राइट आपका पॉजिटिव होगा और लेफ्ट आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, इक्वलिटी होल्ड है। तो जो आपकी रेंज आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो से इनफाइनाइट। अब डिस्कस करते हैं कोडोमेन, कोडोमेन होता है सेकेंड सेट, सेकेंड सेट है आपका रियल नंबर। तो बच्चों आप इजिली देख पा रहे हैं जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है आपका कोडोमेन का, तो रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो इस केस में भी हमको क्या मिला, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, तो हम लोग चेक करेंगे फॉर वन वन, तो रूल क्या होता है, एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, एक्स वन क्यूब और ये हो जाएगा एक्स टू क्यूब। तो अब ये तो ऑड नंबर है तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, एक्स वन इक्वल एक्स टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दिस केस इट इज वन वन। अब डिस्कस करते हैं ऑन टू फंक्शन, तो अब आपको बताया था नेचुरल टू नेचुरल है, एरो डायग्राम वर्क करेगा, ये रेंज निकालने का सबसे आसान वे होता है,
फंक्शन है आपका एक्स क्यूब, वन रखेंगे तो वन आ रहा है, टू रखेंगे एट आएगा, थ्री रखेंगे 27 आएगा, तो रेंज हो जाएगी 1, 8, 27। और कोडोमेन होता है सेकेंड सेट, सेकेंड सेट है आपका नेचुरल नंबर, तो आप इजिली देख पा रहे हैं कि जो रेंज है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए ऑनटू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी आपको 1-1 ऑनटू चेक करना है फॉर 1-1, ठीक है। रूल क्या होता है, fx1 = fx2, तो क्या हो जाएगा बेटा, x1³ = x2³, तो x1 = x2, तो ये आपका हो जाएगा इट इज 1-1, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑनटू, तो ऑनटू के लिए सबसे पहले रेंज निकाली जाती है। अब आप देख पा रहे हैं जेड टू जेड है तो एरो डायग्राम ही वर्क करेगा, ठीक है, -1 -2। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब, तो 0 रखने पे 0, 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 8, -1 रखने पे -1, -2 रखने पे -8, ठीक है। तो रेंज हो जाएगा 0 ±1 ±8, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कोडोमेन, कोडोमेन होता है सेकेंड सेट, तो जेड, जेड का मीन्स होता है 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। तो आप इजिली देख पा रहे हैं कि जो रेंज है वो पूरी तरह से कोडोमेन पे, तो क्या कहेंगे, रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो बच्चों क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स इक्वल, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेटा सिंबल होता है, इज नाइदर 1-1 एंड नॉर ऑन टू, ये हमारा एम है, ध्यान दीजिएगा, फॉर 1-1, ठीक है। आपका एफ एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको मालूम होना चाहिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो एन से एन प्लस वन के बीच लाई करता है, एन की जगह बच्चों वन रखा, तो ये क्या है, वन से टू के बीच लाई करेगा। तो अगर हम 1.2 की वैल्यू पूछें और 1.5 की वैल्यू पूछें तो चेक करिए बोथ आर इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके आउटपुट सेम है, बट क्या इनपुट सेम है, इनपुट सेम ना होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट 1-1 फंक्शन, ठीक है, ये आपका 1-1 फंक्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन, हमने आपको बताई थी पिछली वीडियो पे कि जो रेंज होती है वो इसके नाम पे छिपी रहती है, नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसकी रेंज बच्चों क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा कोडोमेन, कोडोमेन सेकेंड सेट होता है, सेकेंड सेट आपका रियल नंबर, तो इन दिस केस रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो श्योर हो गया इट इज नॉट ऑन टू, तो नाइदर 1-1 एंड नॉर 1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स इज नाइदर 1-1 एंड नॉर 1-2। ये बच्चों मॉड एक्स का आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मॉड एक्स तब होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, माइनस एक्स तब होगा बच्चों जब एक्स नेगेटिव हो, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं फॉर 1-1, तो 1-1 का प्रोसीजर क्या है, fx1 = आपका fx2 होगा, तो बताइएगा मॉड ऑफ x1 = मॉड ऑफ x2 होगा, जब बोथ साइड मॉड होते हैं तो एक साइड पे बच्चों आ जाता है प्लस माइनस, तो ये तो कंट्राडक्शन वाला केस हो गया कि कोई नंबर उसी टाइम पॉजिटिव भी है और उसी टाइम नेगेटिव भी है, तो ऐसा तो होता नहीं है, x1 ≠ x2, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट 1-1, ये बच्चों 1-1 आपका नहीं होगा, ठीक है। फॉर ऑन टू के लिए काम करते हैं, तो जो मॉडुलस की रेंज होती है वो होती है 0 to ∞, और कोडोमेन तो बच्चों गिवन होती है, कोडोमेन क्या है आपका सेकेंड सेट, मतलब रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ऑन टू, बच्चों क्या कह सकते हैं, नाइदर 1-1 एंड नॉर ऑन टू। Show that the signum function as such that real to real given by signum function दिया है, prove क्या करना है, neither 1-1 and nor 1-2, तो बच्चों discuss करते हैं for 1-1। अब देखो signum function में हमारे पास कोई operator तो है नहीं कि fx1 = fx2 कर सकते हैं, तो हम mind से काम करेंगे, f(2) बच्चों यहाँ पे lie करेगा, इसका output 1 है, f(3) भी यहाँ पे lie करेगा, इसका output 1 है, तो f(2 f(3) के इक्वल है, बट 2 आपका 3 के इक्वल नहीं है, तो इनपुट ना इक्वल होने की वजह से क्या कहेंगे, इट इज नॉट 1-1, ठीक है।
अब डिस्कस करते हैं फॉर ऑन टू। तो आप सभी जानते हैं ऑन टू के लिए पहले रेंज निकालनी पड़ती है। रेंज आपको गिवन है इस बार 1, 0, -1, ठीक है। रेंज तो आउटपुट होता है। कोडोमेन, कोडोमेन है आपका सेकेंड सेट। तो आप सभी देख पा रहे हैं रेंज के सारे एलिमेंट पूरी तरह से कोडोमेन पे हैं। तो रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए 1, 2, 3, B, 4, 5, 6, 7। एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है ये ए टू बी में बच्चों क्या होगा, 1, 1, ठीक है। तो आप सभी देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर केस पे डिपेंड है। तो सबसे पहले हम डोमेन और कोडोमेन को यहाँ पे पुट कर, 1 पे इमेज 4 है, 2 पे 5 है, 3 पे 6 है। तो क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ पे कह सकते हैं डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट। तो बच्चों आपको समझाया था वैल्यू का मतलब यहाँ पे इमेज होता है, कहाँ पे समझाया था, पिछली वाली वीडियो पे समझाया था, फंक्शन की थ्योरी वाली पे, ठीक है। पॉइंट का मतलब क्या होता है आपका बच्चों, प्री इमेज होता है, याद रखिएगा। तो डिफरेंट वैल्यूज है, डिफरेंट पॉइंट है, चेक कर लिए, 1 पे 4 है, 2 पे 5 है, 3 पे 6 है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1, 1 फंक्शन हो जाएगा, इट इज 1, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1, 1, ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों सबसे पहले तो 1, 1 ही चेक करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस fx1 = fx2, तो आज का हमारा फंक्शन है fx, तो क्या हो जाएगा, 3 - 4x1 and 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल आउट, सिमिलरली -4 कैंसिल आउट, तो x1 = x2, तो आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म हो गया, इट इज 1, 1, ये आपका 1, 1 फंक्शन होगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन। तो रूल क्या होता है जब रियल से रियल होता है, देखिए रियल से रियल है तो रूल क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स की वैल्यू आपकी जो होगी वो बच्चों किसके टर्म्स पे होगी, वाई के टर्म्स पे। प्रॉब्लम होती है डिनोमिनेटर से, 4, 0 हो नहीं सकता है, तो क्या कहेंगे, जो आपकी रेंज है वो रियल नंबर हो जाएगी, ठीक है। कोडोमेन होता है सेकंड सेट, और सेकंड सेट हमको गिवन है रियल नंबर। तो बताइए इन दिस केस रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल आ गया, तो श्योर हो गया इट इज ऑन टू। अब ये फंक्शन ऑन टू भी है और ये फंक्शन आपका 1, 1 भी है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव की डेफिनेशन होती है फंक्शन 1, 1 ऑन टू बोथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, f such that real to real fx = 1 + x2, तो इसमें भी हमको 1, 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव चेक करना है, क्या हो जाएगा, fx1 = fx2, तो 1 + x1 = 1 + x2, 1 से 1 कैंसिल आउट, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा, +-x2, तो x1 ≠ x2, ठीक है। अब हम वर्क करते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन। fx आपका y का वर्क करेगा, तो भाई x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आपकी क्या हो जाएगी, √y - 1। आप सभी जानते हैं अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0, ओके, y - 1 > 0, तो y > 1, एनी पॉइंट ऑफ राइट आपका हो जाएगा पॉजिटिव और लेफ्ट हो जाएगा नेगेटिव, इक्वालिटी होल्ड है। तो बताइएगा स्टूडेंट, जो आपकी रेंज हो जाएगी वो क्या होगी, 1 से लेकर ∞। कोडोमेन हम लोग को गिवन होती है, कोडोमेन है सेकंड सेट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, तो क्या होगा, इट इज नॉट ऑन टू, ऑन टू भी नहीं है, 1, 1 भी नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नॉट बाइजेक्टिव, तो ये बच्चों बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। लेट A एंड B टू सेट्स शो दैट F such that, क्या गिवन है बच्चों, A × B to B × A, ठीक है। such that a function A, B आउटपुट है B, A इज बाइजेक्टिव फंक्शन फॉर 1, 1, क्या होता है फॉर्मूला, fx1 = fx2, तो क्या मिलेगा, x1 = x2, बट बच्चों आज जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में, तो हमारा फॉर्मूला भी बदल जाएगा, fa1 = b2, ए बी का आउटपुट है हमारा b1, a1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b2, a2 हो जाएगा, फॉर इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, तो एफ सिसा के इक्वल हो जाएगा, ऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, तो b1 b2 के इक्वल हो जाएगा, a1 a2 के इक्वल हो जाएगा, यही तो नेसेसरी बच्चों कंडीशन होती है,
किसकी होती है, वन वन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में रेंज, तो रेंज क्या होता है, आउटपुट, हमारे आउटपुट होंगे बी कॉमा ए टाइप के। अब रेंज एक सेट होती है, तो एलिमेंट को लिख दिया हमने कर्ली ब्रैकेट में। अब मेन बात पे आते हैं, आप लोग के माइंड में चल रहा है बी कॉमा एक एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं। बी कॉमा ए अकॉर्डिंग टू बी क्रॉस ए इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमें ए और बी की यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए के सारे एलिमेंट हमारे रेंज पे होंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी के फेल ना होने की भी कोई कंडीशन नहीं दी बच्चों, ठीक है। कोडोमेन, कोडोमेन होता है सेकेंड सेट, सेकेंड सेट है आपका बी क्रॉस ए। जरा बताइएगा रेंज किसके इक्वल आ गया है, कोडोमेन, तो क्या हो जाएगा, इट इज ऑन टू। ऑन टू भी है और बच्चों वन वन भी है, तो ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाय अ फंक्शन एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड, एन बाई टू इफ एन इज इवन फॉर ऑल नेचुरल नंबर, स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। हमको चेक करना है बाइजेक्टिव है कि नहीं, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। तो आइए जरा इस फंक्शन को एरो डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। बच्चों इनपुट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपके माइंड में चल रहा होगा अभी तक तो आप इनपुट एक दो लेके क्वेश्चन फिनिश कर देते थे, नहीं आज थोड़ा सा केसेस ज़्यादा है ना, तो इसलिए तीन हमने ऑड ले लिए, तीन हमने इवन ले लिए। वन वन बच्चों ऑड की कैटेगरी पे आएगा, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वन रखिए, वन प्लस वन बाई टू मतलब वन हो जाएगा। टू बच्चों आपका इवन की कैटेगरी पे आएगा, तो टू बाई टू आपका वन हो रहा है, तो ये ऑल्सो वन। थ्री आपका ऑड की कैटेगरी पे आएगा, थ्री प्लस वन बाई टू दैट मीन्स टू। फोर आपका इवन की कैटेगरी पे आएगा, फोर बाई टू टू होता है। फाइव फाइव आपका ऑड की कैटेगरी पे आएगा, तो ये आपका थ्री हो जाएगा। सिक्स आपका इवन की कैटेगरी पे आएगा, ये भी आपका थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस एरो डायग्राम को वन वन के लिए चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं वन एंड टू पे सेम इमेज आ रही है, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज वन एंड टू हैव सेम इमेज, ठीक है। वो बच्चों कितनी है, वन। आगे हम चेक कर सकते हैं थ्री और फोर पे भी सेम आ रही है, फाइव और सिक्स पे भी आ रही है, बट हम क्यों करें, वन वन की डेफिनेशन को एक एलिमेंट ने ही फेल कर दिया, क्योंकि वन वन का रूल क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट, तो स्टोरी यहीं से एंड हो गई, इट इज नॉट वन वन। अब मेरी बात समझिए, फिलहाल हम ऑन टू ना भी निकाले तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही नो है, बाइजेक्टिव नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन की कैसे रेंज निकाली जाती है या कैसे ऑन टू निकाला जाता है वो आपको सिखा देते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फॉर ऑन टू। तो बच्चों रेंज के लिए हमें आउटपुट पे ध्यान देना होता है, तो आउटपुट तो हमारे सामने प्रिपेयर हो गया है, वन टू थ्री, ठीक है। कोडोमेन, कोडोमेन आपका होता है सेकेंड सेट और वो है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो रेंज किसके इक्वल आ जाएगी, कोडोमेन, तो श्योर हो गया इट इज ऑन टू। अब देखिए ये ऑन टू है बट वन वन नहीं है, तो बाइजेक्टिव वैसे ही नहीं होगा, तो बाइजेक्टिव के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। क्वेश्चन ए आर माइनस थ्री बी आर माइनस वन कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी। तो मेन चीज बच्चों लिख लेते हैं एफ सच दैट ए टू बी। फिर कह रहा है आपका जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन हो रहा है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो वन वन और ऑन टू चेक करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर वन वन क्या होता है, एफ एक्स वन किसके इक्वल होता है, एफ एक्स टू के। तो एक्स वन माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री ये क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री के हो जाएगा। फिर बच्चों इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स वन एक्स टू थ्री एक्स वन माइनस टू का माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स, एक्स वन एक्स टू थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन और प्लस का सिक्स, ठीक है। तो एक्स वन एक्स टू कैंसिल, सिक्स से आपका सिक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू एंड टू एक्स वन। इसको शिफ्ट करिए, तो माइनस का एक्स वन हो गया, इसको राइट में शिफ्ट करिए माइनस एक्स टू हो गया। बच्चों एक्स वन किसके इक्वल आ चुका है, एक्स टू के, तो क्या कहेंगे, इट इज़ वन वन। अब हम डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन,
ठीक है, तो रेंज निकालनी है, एफ एक्स को वाई ले लीजिए, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। रेंज कैसे आएगी, रियल टू रियल एक प्रकार से देखा जाए, एक ही एक एलिमेंट तो कम है, तो ये रियल टू रियल की फैमिली मानी जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ओके, तो मल्टीप्लाई करिएगा माइनस का थ्री वाई एक्स माइनस टू। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, एक्स वाले टर्म एक जगह, ठीक है, जिसमें एक्स नहीं है उनको राइट साइड ले जाइए। तो x कॉमन हो गया 3y माइनस टू, जो x की वैल्यू आ चुकी है 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम होती है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा, तो आपकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी रियल नंबर माइनस वन। कोडोमेन, कोडोमेन होता है सेकेंड सेट, सेकेंड सेट आपका कितना है r माइनस वन, तो बताइएगा जरा रेंज इक्वल कोडोमेन, तो कंफर्म हो गया इट इज ऑन टू। ठीक है, अब देखें बाइजेक्टिव चेक करना था, नो बेटा, तो लेकिन बाइजेक्टिव है, वन वन है, ऑन टू है, तो बाइजेक्टिव तो हो ही गए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ सच दैट रियल टू रियल बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर फोर, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, वही वन वन ऑन टू से रिलेटिव है, तो पहले चेक कर लेते हैं, फिर बच्चों आपका ऑप्शन मैच करा देंगे फॉर वन वन। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, तो क्या है आपका फंक्शन x की पावर 4, तो x2 की पावर 4 हो गया, तो बच्चों x1 हो जाएगा प्लस माइनस x2, दैट मीन्स x1 नॉट इक्वल x2 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इट इज नॉट 1 1, ये आपका 1 1 की कैटेगरी पे नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू, तो एफ एक्स को y लेंगे x की पावर 4, तो वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि रियल से रियल की फैमिली है। अब ये वन अपॉन इवन पावर है, इसका मतलब y डिफाइन एट ग्रेटर देन इक्वल जीरो, एनी पॉइंट ऑफ राइट पॉजिटिव और लेफ्ट बच्चों नेगेटिव, इक्वलिटी होल्ड है, तो आपकी जो रेंज हो जाएगी वो होगी जीरो से इनफाइनाइट। अब हम डिस्कस करते हैं कोडोमेन, कोडोमेन आपका होता है सेकेंड सेट, तो बच्चों बताइए जरा रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो इट इज नॉट ऑन टू। अब देखिए किस टाइप के ऑप्शन है, हो सकता है इट इज़ इनटू दिया हो तो इनटू कर देंगे, भाई नॉट ऑन टू का मतलब है इट इज़ इनटू, नॉट वन वन का मतलब है इट इज़ मैनी वन। ओके, तो ऑप्शन जरा देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एफ एस वन वन ऑन टू, हो ही नहीं सकता, एफ एस मैनी वन ऑन टू ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो बच्चों ऑन टू फेल हो गया, एफ एस वन वन बट नॉट ऑन टू ये भी नहीं हो सकता है, एफ एस नाइदर वन वन एंड नॉट ऑन टू, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, फोर्थ पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ सच दैट रियल टू रियल बी डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल थ्री एक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो बच्चों सबसे पहले निकालेंगे हम लोग वन वन, ठीक है, वन वन का प्रोसीजर एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स वन इक्वल थ्री एक्स टू, एक्स वन एक्स टू के इक्वल आ गया, तो कन्फर्म हो गया इट इज वन वन, क्या हो जाएगा वन वन। अब हम बात करेंगे ऑन टू के लिए, तो एफ एक्स को वाई लीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन थ्री, प्रॉब्लम होता है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता है, तो इन दिस केस जो आपकी रेंज होगी वो रियल नंबर होगी। ठीक है, और बच्चों कोडोमेन हमको रियल ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या कहेंगे रेंज इक्वल कोडोमेन, तो ये आपका क्या हो जाएगा इट इज ऑन टू, ऑन टू भी है वन वन भी है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन है एफ इज वन वन एंड ऑन टू, पहला ही ऑप्शन सही है। ओके बच्चों, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन।